जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारा है दूसरा दिन, लेकिन आज दूसरे दिन के बारे में नहीं बताने वाले हैं आपको। हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कि जो भी कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं और वो अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और मेरा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगा है, ये सभी आप सभी को हम बताना चाहेंगे। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट जो वीडियो में आगे बढ़े हैं, उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। जो भी कैंडिडेट MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मार्केट में एक नई बुक लॉन्च हो चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। और इस बुक की अगर खासियत की बात करें, तो इसमें आपको 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, और एक स्टडी गाइड है जिसमें आप लोगों को सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य बुद्धि और शक्ति और अंग्रेजी जैसे सभी पैटर्न आपको को फुलफिल किया गया है। तो आप इस बुक को अगर परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। ज्वाइन कर रहे हैं SSC GD CAPF, तो उसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में देखिए, सारा जो भी आप दिए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। मेडिकल का टाइम जो दिए हैं वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, और वही डॉक्यूमेंट्स चेक होगा आप लोगों का। और गेट पे आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर लेकर आना है, जो आप लोगों को बाय पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। जिसको बाई पोस्ट नहीं आया है और उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका बाई पोस्ट आया है, दिक्कत लेकिन कर रहे हैं यहाँ पे, बाई पोस्ट वाला ही खोज रहे हैं यहाँ पे। जो भी ऑनलाइन निकल गया है उनको दिक्कत कर रहे हैं, उनको बाई पोस्ट जो आया है वो घर पे अगर आया है तो उनको मंगवाना पड़ रहा है। तो आप उसको जरूर से लेके जाइएगा, और गेट पे आपका आधार कार्ड चेक करेंगे। ये दो हो गया, गेट के बाद आपका एंट्री हो जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन में जो सारा कुछ आप मेडिकल में दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, सारा डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को जो पुलिस वेरिफिकेशन आप बनवाए होंगे थाना से अपना, वो भी चाहिए, और कैरेक्टर दोनों चाहिए आप लोगों का, वो दोनों भी यहाँ पे चेक करेंगे। और फोटो अपने साथ ना 20 फोटो जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। 20 फोटो, यहाँ पे 15 फोटो मांगा जा रहा है, यहाँ तो 20 फोटो मांगा गया है, लेकिन जिसके पास 15 फोटो है उनके लिए ठीक है, जिसके पास 15 से कम है उनको फिर से क्या बोलते हैं कि स्टूडियो भेजा जा रहा है कराने के लिए। तो यहाँ जो सेंटर है हम लोग का, जहाँ पे भी सेंटर है, इसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, बाकी जो लोग जानते हैं इसके लिए ठीक है। बाकी जो जहाँ भी आप जाइएगा ना, जहाँ भी आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाइएगा, वहाँ पर जो स्टूडियो होगा, जो वो बहुत दूर होगा, तो इसलिए अपना फोटो कॉपी जो है ना, अपना बढ़िया से करके लाइएगा। सब सारा डॉक्यूमेंट्स का ना दो दो कॉपी लेकर आइएगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाइएगा। क्योंकि देखिए, मेरा पैन कार्ड नहीं था, तो हमको पैन कार्ड के लिए वहाँ पे जो हो रहा था मार्किंग हो रहा था, वहाँ पे पैन कार्ड में मेरा नॉट कर दिया है, ठीक है, नॉट अवेलेबल लिख दिया है। तो हमको पैन कार्ड फिर से बनवाना पड़ रहा है, और किसी कारण से पैन कार्ड मेरा भूल गया था आते समय ही, तो वो पैन कार्ड हम फिर से अप्लाई किए हैं, घर पे मेरा आएगा, घर के आने के बाद फिर हम यहाँ बाई पोस्ट करवा लेंगे। तो ये सारा कुछ दिक्कत हो रहा है यहाँ के कैंडिडेट्स को। बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कि अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लेकर आया है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर, एक भी पेपर नहीं लेकर आया है। तो इस तरह से बेवकूफ़ी आप नहीं कीजिएगा, डॉक्यूमेंट सारा अपना लेकर आना है ओरिजिनल, और ओरिजिनल के साथ साथ ना फोटो कॉपी कम से कम तो 3 कॉपी जरूर ले लीजिएगा, कम से कम 3 कॉपी ले लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और हायर क्वालिफिकेशन जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे और कुछ ज़्यादा खास इसमें ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में, बस यही सब बेसिक चीज़ है। और किसी के नाम में दिक्कत हो गई तो वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपका जो आपका नाम सही होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और किसी ने कोई ज़्यादा वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। और हाँ, पासबुक, चेकबुक और आपका ATM कार्ड आपके पास होना चाहिए, और SBI का होना चाहिए। अगर SBI का अगर नहीं है, मान लिया आपके पास चेकबुक पासबुक नहीं है, खाता ही नहीं खुला हुआ है SBI में, आपको यहाँ पे खाता खुलवा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होगा तब, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट आए हुए हैं जो कि जिनका SBI में अकाउंट नहीं है, SBI में अकाउंट यहाँ पे खुलवा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अभी हम लोग को क्या बोलते हैं कि एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जो क्या पता नहीं क्या था वो, ऐसा कुछ था, याद नहीं आ रहा क्या था, उसी से हम लोग का पेमेंट बनेगा, वो भरवाया जाएगा, ठीक है। नॉमिनी उमनी भरवाया जाएगा, हम लोग को फॉर्म कुछ फॉर्म है वो भरवाया जाएगा। हम लोग को 3 बजे के आसपास बुलाया गया है यहाँ पे, जहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स अपना लेकर आइएगा। बाकी कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा इंस्टाग्राम का ID भी आपको नीचे मिल जाएगा, सोनूपाल SONUPAL0702@ नहीं, बस यही है अपना, देख लीजिएगा। बाकी नीचे लगा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लेट हो जाए और एडिट अच्छा से ना हो पाए, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।